अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी डायरेक्टर एनी रहमान, और आप सब मेरी टीम के बिज़नेस पार्टनर्स हैं, मेरे बिज़नेस पार्टनर्स हैं, मेरी टीम में ज्वाइन हैं आप सब। और मैं आप सब के साथ आज एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको समझाऊँगी कि बेसिकली ओरिफ्लेम क्या है और आप ओरिफ्लेम ज्वाइन करने के बाद कितने बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा कि आपने ओरिफ्लेम ज्वाइन करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही बेस्ट है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप ओरिफ्लेम में ज्वाइन कैसे होते हैं। ओरिफ्लेम में ज्वाइन करने के लिए आपको अपनी CNIC की क्लियर पिक्चर, घर का प्रॉपर एड्रेस, फ़ोन नंबर और Gmail ID, ये चार चीज़ें आपको सेंड करनी होती हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमारी Gmail ID नहीं बनी हुई, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप टच मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में Gmail ID लाजमी बना हुआ होगा। गूगल के साथ ही एक आइकन होता है जीमेल का, वहाँ पर आपको आपका ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, वो आपने सेंड करना होता है ज्वाइनिंग के लिए। शनाख्ती कार्ड अगर आपका खुद का नहीं बना हुआ, जैसे MIT में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 18 साल उनकी एज नहीं है, उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, तो आप मदर या फादर के NIC पर ज्वाइन कर सकती हैं। मैरिड लेडीज़ अपने हस्बैंड के CNIC पर ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग करने के बाद आप बेसिकली अपने लीडर के व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्ती ट्रेनिंग्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। तो आपको ओरिफ्लेम ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्टिव रहना होता है, जहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और छोटे छोटे से टास्क कंप्लीट करते करते आप आगे भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ओरिफ्लेम ज्वाइन करने के बाद आप बेसिकली दो काम करते हैं, यही दो मेन काम है जो हर लेवल के मेंबर्स कर रहे होते हैं। आपने न्यू ओरिफ्लेम ज्वाइन किया तब भी आपने यही दो काम करना है, और आप जब आगे बढ़ते बढ़ते मैनेजर डायरेक्टर के लेवल पर पहुंच जाएंगे तब भी आपने यही दो काम करना होगा। पहला काम जो आप करते हैं वो क्या है कि आप अपने 100 बिजनेस पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं। 100 बिजनेस पॉइंट्स क्या हैं और कैसे कंप्लीट करना है, मैं आपको ये बताती चलूँ। 100 बिजनेस पॉइंट्स कंप्लीट करने के लिए आपके पास मौजूद होती है ओरिफ्लेम की एक कैटलॉग, जिसमें 350 से ज़ायद के करीब प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं। और जब आप कैटलॉग को ओपन करके देखेंगे तो हर प्रोडक्ट के साथ आपको प्रोडक्ट की प्राइस, इसके साथ साथ आपको BPs, बिजनेस पॉइंट्स BPs लिखा हुआ भी नज़र आएगा। जैसे अगर फेस वॉश है तो उसके 10 BPs हैं, ठीक है, शैम्पू है तो 8 BPs हैं। हर प्रोडक्ट के कोई ना कोई बिजनेस पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे। आपको हर मंथ अपने 100 बिजनेस पॉइंट्स कंप्लीट करना होता है। अब अगर 100 बिजनेस पॉइंट्स की हम बात करें तो ये आसानी से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब आप ओरिफ्लेम ज्वाइन करते हैं तो बेसिकली आपकी जो ओरिफ्लेम में डेजिग्नेशन होती है वो एक डेजिग्नेशन, जो पहली डेजिग्नेशन है वो ब्रांड एम्बेसडर की है। ब्रांड एम्बेसडर्स कौन होते हैं, जो प्रोडक्ट को खुद यूज़ करते हैं, उनसे सेटिस्फाई होते हैं और उनकी पब्लिसिटी करते हैं। आप सेल्स गर्ल्स बन के ओरिफ्लेम नहीं ज्वाइन कर रही, बल्कि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। सेल्स गर्ल्स वो होती हैं जो सामान लेती हैं और बेचती हैं, उनको इस चीज़ से कोई मकसद नहीं होता कि वो प्रोडक्ट्स अच्छी हैं जो वो बेच रही हैं, या वो प्रोडक्ट किसी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस प्रोडक्ट को खुद यूज़ नहीं किया होता या वो उन प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होती। उनका मकसद सिर्फ सामान बेच के पैसे कमाना होता है। लेकिन जब आप ओरिफ्लेम में ज्वाइन होते हैं तो आपका मकसद जस्ट सामान बेच के पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि कंपनी आपको ब्रांड एम्बेसडर की डेजिग्नेशन देती है। जैसे कि मैं आपको बताती चलूं कि ओरिफ्लेम की ब्रांड एम्बेसडर बहुत सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस भी हैं, जिसमें सोनाली बांद्रे और काकली भी शामिल हैं, जिनको आप यूट्यूब पर सर्च आउट भी कर सकते हैं। ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद आपको मालूम है कि ओरिफ्लेम के कैटलॉग में आपको बहुत सारी अनगिनत ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो डेली बेसिस पर आपके घर में यूज़ हो रही होती हैं, जिसमें से शैम्पू, ठीक है, सोप, टूथपेस्ट, ठीक है, फेस वॉश, अगर आपके घर में जेंट्स मौजूद हैं तो कोई ना कोई शेविंग आइटम्स जो है वो आप यूज़ कर रहे होते हैं घर पर, ठीक है। इसके अलावा परफ्यूम्स हर घर में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा कलर कॉस्मेटिक की कोई भी चीज़, जैसे आप कोई क्रीम यूज़ करते हैं फेयर एंड लवली बाहर निकलने के लिए, कोई ना कोई आप क्रीम भी यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अरसे दराज से ये सारी चीज़ें आप बाहर से लेकर आ रहे थे जब आपको ओरिफ्लेम का नहीं मालूम था, लेकिन अब आप जानते हैं कि ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स हार्मफुल केमिकल से पाक हैं, हलाल हैं, इसके अंदर हार्मफुल जानवर की कोई भी चर्बी इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और सबसे बढ़कर ये कि आप
बिजनेस कर रहे हैं और कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं होगा जिसके अपनी दुकान में आटा दाल चावल मौजूद हो और वो किसी और की दुकान से जाकर आटा दाल चावल लें। तो जब आपकी दुकान में वो चीज़ें मौजूद हैं जो पहले आप बाहर से लेते थे, अब आपको मालूम हो गया कि आपकी दुकान में वो आइटम्स मौजूद हैं, तो आपने वो सारी चीज़ें अपनी दुकान से लेनी है। जब आप वो चीज़ें अपनी दुकान से लेंगी तो आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपके बिजनेस पॉइंट्स बनेंगे, आपके BPs जनरेट होंगे और अप्रॉक्स आपके 50 बिजनेस पॉइंट्स आराम से बन जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूं कि जब आप ओरिफ्लेम ज्वाइन करते हैं तो आपको हर एक प्रोडक्ट पर 20% ऑफ मिलता है। 20% ऑफ का मतलब है कि सपोज करें कि कैटलॉग में कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस लिखी हुई है 1000 रुपीज़, तो वो जिसको भी आप कैटलॉग शो करेंगे उनको ये प्राइस 1000 रुपीज़ ही नज़र आएगी, लेकिन चूंकि अब आप ज्वाइन हो चुके हैं तो आपको ये 1000 रुपीज़ की प्रोडक्ट नहीं मिलेगी बल्कि आपको मिलेगी 800 रुपये की 20% डिस्काउंट के बाद। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट हो गया, आपकी बचत हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या काम करते हैं, आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं इससे सेटिस्फाई होते हैं और लोगों को एज अ डॉक्टर प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं एज अ स्किन डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट के तौर पर, आप कंसल्टेंट के तौर पर, ब्यूटी कंसल्टेंट के तौर पर प्रोडक्ट को सजेस्ट करते हैं कि अगर आपकी ऑयली स्किन है आप ये चीज़ यूज़ करें, आपने फॉर्मुला क्रीम यूज़ किया है तो स्किन की सेंसिटिविटी ख़त्म करने के लिए आप ये प्रोडक्ट यूज़ करें, और लोग आप पर ट्रस्ट करके आपसे वो प्रोडक्ट मंगवा रहे होते हैं। जब वो प्रोडक्ट्स आप अपने अकाउंट से मंगवाते हैं तो आपके मजीद बिजनेस पॉइंट्स बनते हैं और इस तरह से आपके मजीद 50 पॉइंट्स बन जाने पर 100 BPs कंप्लीट हो जाते हैं और आपको मिलता है ज़बरदस्त सा बेनिफिट। बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि आपको गिफ्टिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाती है कंपनी की तरफ से, जिसको हम कहते हैं सेल्स एक्शन। सेल्स एक्शन में जो प्रोडक्ट्स आपको गिफ्ट के तौर पर मिल रही होती हैं उसकी वर्थ तकरीबन 3500 रुपये से 4000 रुपये होती है, लेकिन आपको ये गिफ्ट मिलता है सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये में। है ज़बरदस्त सा डिस्काउंट, है ज़बरदस्त सा बेनिफिट। इसके अलावा आप फर्स्ट मंथ अगर अपने 100 बिजनेस पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं या 150 बिजनेस पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ से वेलकम प्रोग्राम, वेलकम गिफ्ट्स भी मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। और वेलकम गिफ्ट क्या होता है कि वेलकम गिफ्ट में आप अपनी पसंद का कोई भी प्रोडक्ट गिफ्ट में ले सकते हैं जिसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप उन ऑप्शंस में से कोई भी प्रोडक्ट अपने लिए पसंद कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं गिफ्ट के तौर पर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ में। अच्छा जी, ये आपका पहला काम था 100 बिजनेस पॉइंट्स कंप्लीट करने का। इसके लिए जब आप ग्रुप पर ज्वाइन होंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स, वीडियोस, बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स मिलती हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है और आपके 100 बिजनेस पॉइंट्स 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। सेकंड मेन काम जो आप करते हैं जिस पर आपका इनकम जनरेट होता है, आपकी डेजिग्नेशन बढ़ती है, वो है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओरिफ्लेम में ज्वाइन हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप हज़ारों लाखों कमाएं, आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, तो आपको फिर ज़रूरत है टीम बिल्डिंग पर काम करने का। यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर करूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर उनके 100 बिजनेस पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हुए तो क्या लॉस है, तो कोई नुकसान नहीं है आपका। ऐसा नहीं है कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, आपका बहुत बड़ा लॉस है, नहीं। आप जिस हद तक BPs कंप्लीट कर सकते हैं आप कंप्लीट करें। आप अगर 50 पॉइंट्स भी कंप्लीट कर लेते हैं तो उस पर भी आपको गिफ्टिंग्स हैं, उस पर भी आपको बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी महीने अपने BPs कंप्लीट ना कर पाएं तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। आपने डर खौफ के बगैर ये काम करना है, ठीक है। अच्छा, टीम बिल्डिंग आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। आपने जब ओरिफ्लेम ज्वाइन कर लिया पहले दिन से ही आपने टीम बिल्डिंग पर फोकस करना है। टीम बिल्डिंग को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज करें आप ओरिफ्लेम ज्वाइन करते हैं और ओरिफ्लेम ज्वाइन करने के बाद आप अपने साथ 3 मेंबर्स की ज्वाइनिंग करवाते हैं। अब ये 3 मेंबर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपके फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके कुलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपने इन 3 लोगों को ओरिफ्लेम ज्वाइन करवाया, इनको प्रेजेंटेशन दिलवाई, इनको काम समझाया, ये वीडियो शेयर की, कॉन्सेप्ट क्लियर किया और आपने इन 3 मेंबर्स को कहा कि तुम भी इस तरह से अपने 100 बिजनेस पॉइंट्स कंप्लीट करो ताकि तुम्हें गिफ्टिंग्स मिले और आगे से टीम बनाओ ताकि तुम्हारा इनकम जनरेट हो। सपोज कर लेते हैं कि इन्होंने भी आगे से टीम बनाना स्टार्ट की, इसने भी अपने साथ टीम बनाई, इसने भी टीम बनाई, तो आपने तो बेसिकली ओरिफ्लेम में जस्ट 3 लोगों को ज्वाइन करवाया था, लेकिन ये 3 लोग भी आगे से जो मजीद ज्वाइनिंग्स लेकर आ रहे हैं इनका बेनिफिट इनको भी मिलेगा और इनका बेनिफिट आपको भी मिलेगा। और इस तरह से जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती चली जाती है आपका इनकम जनरेट होता चला जाता है, आपकी डेजिग्नेशन बढ़ती चली जाती है और फिर आप आगे बढ़ते बढ़ते मैनेजर और डायरेक्टर की डेजिग्नेशन पर पहुंच जाते हैं और फिर आगे आपको बहुत बेनिफिट्स होते हैं, आपको कैश प्राइजेस मिलते हैं, आपको अवार्ड्स मिलते हैं और आपको इंटरनेशनल टूर भी मिलना स्टार्ट हो जाता है जब आप डायरेक्टर की डेजिग्नेशन पर पहुंच जाते हैं।
ये वो डेजिग्नेशन है जहाँ पर पहुँचने के बाद आपकी मंथली अर्निंग इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि आप किसी को भी कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि आप ऑनलाइन वर्किंग करके कितनी ज़बरदस्त अर्निंग हासिल कर रहे हैं। आपकी कम से कम भी मंथली अर्निंग 40,000 और मैक्सिमम मंथली अर्निंग आपकी लाख रुपीज़ तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो है ज़बरदस्ती वर्किंग। मैंने आपको बहुत मुख्तसर करके समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को देखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपने से ज्वाइन होने वाले लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जो भी आपकी टीम में मेंबर ज्वाइन हो उसको ये वीडियो ज़रूर ज़रूर शेयर करें ताकि उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपको आपकी टीम जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलना स्टार्ट हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।